हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ जो सब्ज़ी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो सर्दियों के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये सर्दियों के मौसम में जो हरी हरी और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ियाँ मिलती हैं उन्हीं सारी सब्ज़ियों को मिक्स करके ये सब्ज़ी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और एकदम फाइबर से भरपूर है ये सब्ज़ी। तो ज़रूर से आप ये रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी करके रखी है। तो ये जो तैयारी है, सब्ज़ी बनाते हैं हम जब भी, तो थोड़ी सी तैयारी लगती है। जो भी प्रिपरेशन है आप सबसे पहले ही करके रख लें। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सारी सब्ज़ियों को वॉश करके अच्छी तरह से कट करके यहाँ पर रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ बारी बारी से। मैंने यहाँ पर लिया है पालक। तो आप देख सकते हैं पालक, मैंने एक बंच पूरा पालक लिया है। अच्छी तरह से पालक को आप धो लें और उसके बाद सुखाने के बाद इस तरह से आप, हमें बस रफली ही कट करना है। बहुत ज़्यादा हमें इस तरह से पालक को चॉप नहीं करना है, बारीक चॉप नहीं करना है। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी मेथी भाजी ली है। मेथी मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं की है, सिर्फ एक मुट्ठी यानी एक हैंडफुल ही मैंने यहाँ पर मेथी ली है। मटर हमें लेनी है आधी कप, और बिल्कुल हरी मटर जो आती है ना ठंड के मौसम में वही आप लें। और सेम यहाँ पे सेम जो है बिल्कुल मेन रोल प्ले करती है इस सब्ज़ी में। तो मैंने यहाँ पे एक पाव जितनी हरी सेम ली है। इस सब्ज़ी को आप जब भी बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा सेम जो है हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से सेमी को आप अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से जो इसके साइड के रेशे होते हैं उसे आप हटा लें, और इस तरह से आप रफली हाथ से इसे काट के रख लें। आप चाहें तो पालक को भी बस हाथ से ही तोड़ के सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा फैंसी हमें चीज़ें इसमें कट नहीं करनी है। तो ये सारी सेम जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तैयार करके रख ली है। तो ये हो गई हमारी एक प्लेट जो हमने सब्ज़ियाँ इसमें ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ और जो हमने बाकी सब्ज़ियाँ इस सब्ज़ी के लिए लेनी है। तो ये आ गई हमारी दूसरी प्लेट, और इसमें भी मैंने थोड़ी सी वेजीज यानी सारी सब्जियां जो है कट करके रखा है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बैंगन। तो बैंगन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिया है, इसे आप पानी में डाल दीजिए जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें बड़े स्क्वायर पीसेस में कट करना है। स्प्रिंग अनियन का जो हरा पोर्शन होता है वो मैं यहाँ ले रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन, 3 स्प्रिंग अनियन लिया है। 8 हरी मिर्चें लेनी है हमें, और हरी मिर्च को इस तरह से मैंने बड़े पीसेस में कट किया है। हरी मिर्च जो है थोड़ी ज़्यादा लगेगी इस सब्ज़ी में। और टमाटर हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर जो आते हैं वो हम लेंगे, और एक प्याज बारीक कटे हुए हमें लेना है। तो एक बात आप ध्यान रखें, जो देसी टमाटर आते हैं ना आजकल वही आप ले सब्ज़ी के लिए। और ये देखिए अदरक और लहसुन मैंने लिया हुआ है। अदरक ये देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा पीस अदरक लिया है, और लहसुन कुछ 15 कली मैंने लहसुन की ली है। और टमाटर जो हैं थोड़े खट्टे वाले लीजिएगा, उससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से कट करके तैयार करके रख लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारी सब्ज़ी। तो मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसमें हमें लेना है 4 बड़े टेबलस्पून ऑयल। ये जो सब्ज़ी है इसे आप सरसों के तेल में मत बनाइएगा, उससे टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। हो सके तो आप सनफ्लावर ऑयल ही इसमें यूज़ करें। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग थोड़ा ज़्यादा हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जितना हींग ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड के लिए चला लें इस तरह से, और ये देखिए जो अदरक और लहसुन है इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है। तो ये इसमें हमें ऐड करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मत ऐड करिएगा, इस तरह से क्रश करके ही इसमें ऐड करिए आप अदरक लहसुन, उससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस कुछ सेकंड के लिए हमें इस तरह से भून लेना है अदरक लहसुन को। बस इतना ध्यान रखें कि ये हमें कलर चेंज नहीं होने देना है। तो अब देखिए इसमें हमने ऐड करना है एक प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक अच्छी तरह से प्याज जो है लाइट पिंक कलर की नहीं हो जाती। कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए प्याज को अच्छी तरह से आप भून लें, जितना जो इसका कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। तो अब इसमें हमें ऐड करना है जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी है वो हम ऐड कर देंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है और हरी मिर्च थोड़ी सी भून गई अच्छे से,
तो अब इसमें हमें ऐड करना है जो हमने सारी सब्जियां जो काट के रखी है। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ जितनी भी हरी सब्जियां हैं पत्ते वाली, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दिया इसमें। आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन यानी कि जो उसकी प्याज होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमें बस एक साथ इसमें ऐड कर देनी है। ये देखिए आप, टमाटर भी मैंने इसी तरह से बस डाल दिया है इसमें, कुछ भी हमें भूनना नहीं है। तो ये जो बैंगन है मैंने पानी में डाल दिया था उसके बाद, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सब्जियों को तेल में अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो इस पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा फ्लेम आप हाई कर दीजिए और उसके बाद इस तरह से मिक्स करते हुए सारी सब्जियों को भून लें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं भूनने से जो सब्जियों का थोड़ा सा जो साइज़ है वो कम हो गया है और पालक भी हमारी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम सब्जी को पकाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप इस तरह से सारी सब्जियों को एक बिल्कुल बीच में आप इस तरह से एक माउंटेन जैसा बना लें और उसके बाद लिड लगा के हमें सब्जी को आधा पकने तक का कुक करना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और सब्जी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अभी आधी कुक हो गई है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी भी निकल रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप मिक्स कर लें और अब हमें इसमें ऐड करने हैं सूखे मसाले। तो सूखे मसाले बहुत ही सिंपल सूखे मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हमें हल्दी पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो ये जो टीस्पून है मेरा छोटा वाला टीस्पून है तो इसीलिए मैं इसमें 2 बार ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने टोटल 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड किया है। इस सब्ज़ी में हम लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे तो जो भी आप देख सकते हैं ये जो हरा कलर है सब्ज़ी का, नेचुरल हरा कलर, वो बिल्कुल चला जाएगा और सब्ज़ी का कलर जो है अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए इस सब्ज़ी में मैं हमेशा ढेर सारी हरी मिर्चें ऐड करती हूँ, उससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर दें। तो अब देखिए इस तरह से मैंने फिर से मिक्स करने के बाद इस तरह से मैंने सब्जियों को एक साथ बीच में कर दिया है कढ़ाई में और अब लिड लगा के जब तक अच्छे से हमारी सब्ज़ी नहीं कुक होती है हम कुक करेंगे। तो फाइनली एक बार और लिड लगा के हम सारी सब्जियों को अच्छे से कुक कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है सब्ज़ी को, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है हमारी अच्छे से सारी पक गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कीजिए। आप इस हेल्दी सब्ज़ी को रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ज़रूर से ट्राई करिए और अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन ऑन।